हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्क्वायर। देखिए, अब आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कब हमें जो है पैरामीटर टेस्ट लगाना है और कब हमें नॉन पैरामीटर टेस्ट लगाना है। आज हम इस टेबल का देखिए लास्ट जो है नॉन पैरामीटर टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रीडमैन्स एनोवा टेस्ट। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये हमारा जो है टेस्ट है ये इसी के इक्विवेलेंट है, दैट इज रिपीटेड मेजर्स एनोवा। आपको याद होगा कि रिपीटेड मेजर्स एनोवा में हमने क्या किया था और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें, कि जब हम सेम रिस्पोंडेंट का दो से ज़्यादा बार हम जो है उनका जो है मेजर करते हैं, यानी टेस्ट लेते हैं, और फिर देखते हैं कि उनका जो मीन स्कोर है क्या वो उनमें जो डिफरेंस है सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो अगर वो भी सारी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम पैरामीटर टेस्ट लगाते हैं और हम चेक करते हैं रिपीटेड मेजर्स एनोवा। लेकिन अगर वही डेटा, अगर मान लीजिए बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो फिर हमें जाना होगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ और हमें देखना होगा इसका इक्विवेलेंट वो कौन सा है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडमैन्स एनोवा। ठीक है, तो आज हम इसको एक केस स्टडी के थ्रू समझते हैं। देखिए, ये केस स्टडी है, कोई कंपनी है, कंपनी दिखना चाह रही है कि अगर वो उनकी कुछ 15 आउटलेट हैं, ये 15 आउटलेट्स उनके पास। अब वो देखना चाह रही है कि जब उन्होंने ये सेल्स मेजर करी, अब वो इन 15 आउटलेट में अपनी कुछ एडवर्टीजमेंट करना चाहती है अपनी कंपनी की। तो उसका देख रही है क्या वो उस रिटेल जब वो एडवर्टीजमेंट करती है, चाहे जैसे इन द फॉर्म ऑफ ब्रोशर हो या कोई भी प्रिंटिंग जो एडवर्टीजमेंट हो उसके थ्रू वो करना चाह रही है, तो क्या इसका इफेक्ट जो है उनके सेल्स में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो देखिए मंथ वन मंथ टू, वैसे देखिए 3 बार मेजर किया है, पहला बेस लाइन, फिर वन मंथ और फिर 2 मंथ, तो ये मोर देन टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि क्या ये डेटा हमें शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली जो यहाँ पर नॉन पैरामीटर टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, लेगेसी डायलॉग, यहाँ पर जाना है केयर रिलेटेड। केयर रिलेटेड सैंपल्स का मतलब होता है दैट मीन्स मोर देन टू रिलेटेड सैंपल्स, सो हम सारे ही लेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम डिस्क्रिप्टिव भी लेंगे, क्वार्टल्स भी लेंगे, कंटिन्यू। फ्रीड में देखिए डिफॉल्ट जो है टिक है, जस्ट सिंपली प्रेस ओके। तो देखिए अब हमारे पास ये डेटा आया है, तीनों में हमारे जो 15 आउटलेट में हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं। मीन स्कोर देखिए ये कम होता जा रहा है, ये बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए, इसके बाद ये दिखा रहा है Q1 एंड Q3। अभी मेन रैंक देखिए, मेन रैंक अब देखिए यहाँ कम हो गया और यहाँ बढ़ गया। देखिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियो में दिखाया था कि मेन रैंक कैसे निकालते हैं, ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर लेता है और ये रैंक के बेसिस में निकालता है। आप चाहे डेटा को असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग कर लो, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो ऑटोमेटिक निकाल लेता है। अब हम देखेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसकी देखिए जो ये पी वैल्यू है वो हमारे इनसिग्निफिकेंट आ रही है, दैट इज 0.766 विच इज मोर देन 5%। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा नल हाइपोथेसिस जो वो क्या होगा आपका, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। डिफरेंस तो है, सेल्स का इम्पैक्ट आ रहा हो, एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे वो नेगेटिव आ रहा हो चाहे पॉजिटिव आ रहा हो, वो क्या मतलब नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट तो इम्पैक्ट हम देखने जा रहे थे, तो कहते हैं इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और वो डेटा से हमें देखो दिख भी रहा था कि कहीं पर अगर डिफरेंस आ रहा है तो वो बहुत माइनर डिफरेंस आ रहा है, मीन्स मार्जिन इतना बड़ा नहीं है। अब इस तो मीन में कम तो हो रहा है, बट वो ग्रेजुअली इतना डिक्रीज नहीं हो रहा, चाहे वो मतलब वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ओवरऑल जो है इसका इम्पैक्ट इतना नहीं हो रहा। राइट, सो इसका कंक्लूजन क्या करेंगे कि जो हमारी जो पी वैल्यू है वो क्या हमारी 5% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब वी कांट वी कांट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। एंड नल हाइपोथेसिस का था आपका दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द देर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ सेल्स इन द रिटेल आउटलेट्स। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रीडमैन टेस्ट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, थैंक यू।